हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। जो मार्केट में रेडी प्रीमिक्स मिलते हैं उसमें से हम गुलाब जामुन परफेक्टली घर पर कैसे बना सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और साथ साथ जो गुलाब जामुन बनाते टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन का हार्ड हो जाना, चाशनी अंदर तक नहीं पहुँचना, या फिर चाशनी की थिकनेस हमें कैसे रखनी चाहिए, कई बार गुलाब जामुन तलते टाइम फट जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं आपको ये वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गिट्स कंपनी का जो रेडी मिक्स आता है उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे वो कंपनी का रेडी मिक्स यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 500 ग्राम का पैकेट है, तो यहाँ पे मैं अभी आधा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक हम बॉल लेंगे और उसके अंदर आधा मिक्सर इसके अंदर हम डाल देंगे। आप चाहे तो ये आटे को छान के भी ले सकते हैं, या फिर एक चम्मच की हेल्प से ये जो मोटी मोटी गुठलियाँ हैं इसे हम तोड़ लेंगे। अब पैकेट पे जो रेसिपी लिखी है उसके हिसाब से ये आटे को हमें पानी या दूध से गूंथना है। यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आटे को गूंथना है यानी किस तरह से हम इसे रेडी करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और आटे को चम्मच की हेल्प से मिलाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर के दूध का इस्तेमाल किया है और 250 ग्राम आटे में मैंने यहाँ पे 1/4 कप यानी कि 3/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। और अब हम इससे हाथों की हेल्प से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अभी ये आपको काफ़ी सॉफ्ट और चिकना लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे तब आप देखना कि इतने सॉफ्ट डो से गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बनते हैं। तो ये मिक्सर अभी बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और तब तक हम चाशनी रेडी कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और उसके अंदर हम डाल देंगे 750 ग्राम शुगर, पैकेट पे भी इतनी ही लिखी हुई है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 800 ml पानी। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और शुगर मेल्ट होने तक हम इसे मिक्स करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो डो हमने रेडी किया है उसमें से करीबन 40 से 45 गुलाब जामुन बन जाएंगे और वो सारे एक साथ हम इसमें चाशनी में ऐड कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि शुगर मेल्ट हो चुकी है और शुगर मेल्ट होने के आधे से एक मिनट के अंदर ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तब हमें क्या करना है कि गैस की फ्लेम को हमें लो करना है और इसे 5 मिनट तक बॉईल करना है। आप चाहे तो घड़ी में देख के सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करने के लिए रख दें, इससे ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से चाशनी बनाने से चाशनी ज़्यादा ना गाढ़ी होगी और ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से केसर स्ट्रिंग्स। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप ये दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे चाशनी की थिकनेस भी देख लेते हैं। तो इसे हम अगर उंगलियों पर लगाएंगे तो ये हल्की सी परत, यानी कि जैसे हम ऑयल लगाते हैं और जैसे हल्का चिकना लगता है बस वैसा ही लगेगा, बिल्कुल भी तार नहीं बनेंगे, ये बहुत ही पतली होती है। और जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में ऐड करें तब चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि ये ठंडी ना हो जाए। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। चाशनी बनाने में हमें करीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं और तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। इसे हम हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसे हमें रोटी के आटे की तरह मसल मसल कर चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे हल्के हाथों से जस्ट मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा डो लेकर हम इसके बॉल्स रेडी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल सॉफ्ट है और मुझे इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और ये बहुत ही आसानी से रोल हो रहा है। अगर इसे रोल करते टाइम आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि इसे हमें ज़्यादा प्रेस करते हुए बनाना पड़ रहा है और फिर भी इसके ऊपर क्रैक्स दिख रही है, यानी कि डो हमारा परफेक्ट सॉफ्ट नहीं है। अगर डो सॉफ्ट नहीं होगा तो गुलाब जामुन भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे, वो च्यूई बनेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि 1-2 चम्मच और दूध के ऐड कर ले और फिर से इसको मिक्स करके इसके बॉल्स बनाए। एक छोटी सी भी क्रैक इसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए, अगर छोटी भी क्रैक इसके ऊपर होगी तो वो तलते टाइम बड़ी हो जाएगी और जामुन वहाँ से फट जाएंगे। तो डो का परफेक्ट सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो यहाँ पे इतने बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। और फ्राई करते टाइम हमसे क्या गलती हो जाती है वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे गुलाब जामुन टूट जाते हैं या फिर उसका इवन कलर नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं कि ऑयल के अंदर एक एक करके सारे बॉल्स डाल देते हैं, और जब हम इसे पलटने जाते हैं तब ये बॉटम में चिपक गए होते हैं और इसको पलटते टाइम ये टूट जाते हैं या फिर ये नीचे की ओर से डार्क हो जाते हैं और इवन कलर इसका नहीं आ पाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जामुन भी बॉटम में चिपक गए हैं और जब हम इसको पलटेंगे तो इसका नीचे की ओर से कलर डार्क हो गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और गुलाब जामुन हमारे परफेक्टली फ्राई हो, उसके लिए हमें क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल को चेक करेंगे और ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। जब ऑयल हल्का गर्म हो तभी हम इसके अंदर बॉल्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और जो हमने बॉल्स रेडी किए हैं वो ऑयल में डालेंगे और ऑयल को एक चम्मच की हेल्प से इस तरह से स्टर करते जाएंगे। ये काम हमें बहुत ही आराम से करना है, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे करके एक एक बॉल्स जो हमने रेडी किए हैं वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे और चम्मच की हेल्प से ऑयल को कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। ऐसा करने से बॉल्स बॉटम में चिपकेंगे नहीं और सभी ओर से अच्छे से फ्राई होंगे। और इसे हमें बैचेस में ही फ्राई करना है। थोड़े थोड़े बॉल्स हम रेडी करते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे, क्योंकि हमने जो डो रेडी किया है उसमें से करीबन 40 से 45 बॉल्स रेडी होंगे। तो जब तक हम लास्ट बॉल रेडी करेंगे तब तक जो पहला बॉल है वो सूख गया होगा। तो हम थोड़े थोड़े बॉल रेडी करते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा फ्राई कर लिया या फिर एक साथ सारे बॉल्स रेडी कर लिए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये मैंने इतने बॉल्स फ्राई होने के लिए रख दिए हैं और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे परफेक्ट कलर आने तक कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसे चम्मच की हेल्प से स्टर करते जाएंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का कलर परफेक्ट आ चुका है और एक भी गुलाब जामुन हमारा फटा नहीं है और इवनली ये सभी ओर से कुक हो चुका है। और अब हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे। जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में ऐड करें तब चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। हमने इसको ढक कर रखा था इसलिए ये अभी तक गर्म है। अगर आपको ऐसा लगे कि चाशनी ठंडी हो चुकी है तो चाशनी को आप पहले हल्का गर्म कर लें और उसके बाद ही गुलाब जामुन को इसमें ऐड करें। अगर चाशनी ठंडी होगी और आप गुलाब जामुन को इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो चाशनी को अच्छी तरह से सोख नहीं कर पाएंगे और गुलाब जामुन हमारे ड्राई बनेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन फ्राई करते जाएंगे और इसे चाशनी में हम ऐड करते जाएंगे। करीबन 10 से 15 मिनट में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आप इसे 1 से 1.5 घंटे बाद सर्व करें तो ये और भी ज़्यादा जूसी लगते हैं। तो बस 15 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ गुलाब जामुन बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी गुलाब जामुन बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से एक नई रेसिपी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।